हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका देख न्यूज में। बिग बॉस 16 का 12वां दिन काफी दिलचस्प रहा। 12वें दिन बिग बॉस के घर वालों को एक टास्क दिया गया जिसमें सभी को अपनी अपनी हिस्सेदारी देनी थी, लेकिन इस टास्क में मेन खिलाड़ी शो की दो कंटेस्टेंट थी जिन्हें अलग अलग फोन से वीडियो रिकॉर्ड करना था। इसके अलावा शो में अर्चना एक बार फिर से किचन को लेकर नया झगड़ा करते हुए दिखाई दी। वहीं शालीन और टीना दत्ता के बीच प्यार की शुरुआत होते हुए भी इस एपिसोड में दिखी। ऐसे में इतना तो जरूर है कि 12वें दिन भी शो में घर वालों के नए नए रंग दर्शकों को देखने को मिलेंगे। बिग बॉस 16 में एमसी स्टैन और अर्चना गौतम के बीच एक बार फिर से लड़ाई देखने को मिली है। स्टैन अर्चना से कहते हैं, तुम बहुत ज्यादा डबल गेम खेलती हो। यह सुनकर अर्चना भड़क जाती हैं, जिसके बाद स्टैन गाली देते हैं और अर्चना इमोशनल हो जाती हैं। हालांकि बाद में स्टैन को बुरा लगता है और वो अर्चना से माफी भी मांगते हैं। इसके अलावा शो में बिग बॉस ने पहले अब्दू का एक म्यूजिक वीडियो घर वालों को दिखाया। इसके बाद बिग बॉस ने घर वालों से कहा कि सभी लोग मौजूद हैं तो क्यों ना टास्क हो जाए। प्रियंका और निमृत के बीच टास्क होगा, ये दोनों डायरेक्टर होंगी और अब्दू के साथ उन्हें वीडियो शूट करना होगा, लेकिन ये अब्दू और घर वालों पर डिपेंड करता है कि वो किसे कितना कम और किसे कितना ज़्यादा वक्त देते हैं। इस टास्क में 8 लोग प्रियंका को वोट देते हैं और 6 लोग निमृत को। इस तरह से प्रियंका टास्क जीत जाती हैं। ऐसे में बिग बॉस प्रियंका को अधिकार देते हैं कि वो बेडरूम को लेकर फैसले ले सकती हैं कि किसे कौन सा रूम देना है। प्रियंका अपना, अंकित, सौंदर्य और सुम्बुल को एक कमरे में लेती हैं, वहीं अर्चना के साथ शालीन को रूम देती हैं। प्रियंका के इस फैसले को सुनकर घर वाले हंसने लगते हैं। इसके बाद रात में अर्चना सोते हुए शालीन को डराने के लिए बाल खोलकर आ जाती हैं और शालीन अर्चना को देखकर डर जाते हैं। वहीं घर में इश्क की शुरुआत भी हो चुकी है। टीना दत्ता और शालीन के बीच इश्क की चिंगारी देखी गई है। शालीन गौतम को बताते हैं कि वो टीना को पसंद करने लगे हैं। इसके बाद डाइनिंग टेबल पर गौतम, शालीन और टीना दोनों को छेड़ते हैं और कहते हैं कि टीना सिर्फ मेरी है। वहीं सुम्बुल ये देखकर थोड़ी चिड़ी हुई भी लगती हैं। इस वीडियो में केवल इतना ही। ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।